बड़ी खबर संभल से है, जहां दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए पूर्व विधायक के घर में घुसकर बेखौफ चोरों ने 50 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बेखौफ चोरों द्वारा चोरी की वारदात गुन्नौर थाना के कस्बा बबराला में पुलिस चौकी के नजदीक इंदिरा चौक स्थित पूर्व सपा विधायक राम खिलाड़ी सिंह की है, जहाँ चोर उनके घर में घुसकर तीसरी मंजिल तक पहुँचे। दो दरवाजों के कुंडे तोड़कर चोर स्टोर रूम तक पहुँचे, जहाँ सेफ को तोड़कर 50 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर चोर रफू चक्कर हो गए। घटना के समय पूर्व विधायक अपने परिवार समेत अपनी बेटी की शादी में नगर स्थित बैंकट हॉल में थे। सुबह करीब 3 बजे घर लौटी पूर्व विधायक के पुत्र वधु और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति यादव ने टूटे पड़े कुंडे सेफ देखी तो परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने 50 लाख रुपए कैश की चोरी का केस दर्ज किया है, मगर चोरों की इस दुस्साहसिक वारदात से दहशत है। इधर पूर्व विधायक ने घटना का खुलासा और कैश बरामदगी की मांग की है। चोरी की बड़ी घटना हुई है आपके यहाँ, क्या है पूरा मामला, कितना कैश गया है, किस तरह से हुआ है? जिस अलमारी में 50 लाख रुपए रखे थे जी, जीने का तार तोड़ा, फिर गेट का तार तोड़ा, फिर ये स्टोर में आए, फिर अलमारी का तार तोड़ करके जी रुपए चोर यहाँ से निकाल के ले। आप लोग कहाँ थे विधायक जी? समझ तो हमारी बेटी की शादी थी, हम शादी में थे बगीचा में, घर पर कोई नहीं था मौजूद। जब रात 3:30 बजे प्रीति यादव आई घर पर तो उन्होंने देखा ताले टूटे हुए, तब उन्होंने मुझे फोन किया कि तो आप पुलिस जी मैं आ गया। कोई शक, कुछ सुबह कुछ अंदाजा कुछ हो पा रहा हो? हमने अज्ञात में एफआईआर कराई है, अब ये पुलिस का प्रकरण है। हम चाहते हैं पुलिस से कि हमें न्याय मिले और ईमानदारी से इसकी जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो, दोस्ती के खिलाफ कार्रवाई हो और पैसा बरामद। थाना गुन्नौर पर श्री राम खिलाड़ी यादव द्वारा आज सुबह जानकारी दी गई कि उनके 3 मंजिल के मकान के तीसरी मंजिल पर बने हुए एक कमरे में अलमारी में रखे हुए एक 50 लाख रुपए से भरे हुए बैग की चोरी हो गई है। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो प्रथम दृष्टया यह ज्ञात हुआ कि उनके घर का मुख्य दरवाजा सही सलामत है, अन्य किसी जगह पर भी कोई दरवाजा नहीं तोड़ा गया है, केवल तीसरे मंजिल पर स्थित इस कमरे का दरवाजा तथा उस अलमारी का लॉक तोड़ा गया है। जिस जगह पर ये बैग रखा हुआ था उसी अलमारी में कुछ अन्य कैश और जेवरात भी रखे हुए थे, वो भी सही सलामत हैं। अतः प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना उनके परिवार के ही किसी व्यक्ति के द्वारा अथवा उनके किसी जान पहचान के व्यक्ति के द्वारा कारित की गई है। इसमें उनकी तहरीर पर थाना गुन्नौर के अंतर्गत चोरी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा सभी पहलुओं की छानबीन की जा रही है तथा साथ में आयकर विभाग को भी इस बारे में जानकारी दी गई है, जिससे कि वह यह ज्ञात कर सके कि इतनी धनराशि घर में क्यों रखी हुई थी। इस प्रकार से सभी पहलुओं की जांच करते हुए इस घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा।